हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरीज फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट एम और कंपनीज की तरफ से आई हुई हैं तो मेजर जॉब ओपनिंग्स हैं गाइस अगर आप 2020 19 पास आउट स्टूडेंट हैं और फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और सारी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देंगे तो आप वहां से इजिली अप्लाई कर सकते हैं तो हमारी आज की जो सबसे पहली जॉब ओपनिंग है वो है अमेजोन की तरफ से तो अमेजोन की तरफ से डिवाइस एसोसिएट के लिए एक जॉब ओपनिंग निकली हुई है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो अ डिवाइस एसोसिएट प्राइमरी टू एग्जीक्यूट टेस्ट केस इंस्ट्रक्शन एंड रिपोर्ट डिस्टरपेंसिस एंड दिस इज बेसिकली अबाउट दी जॉब जॉब के बारे में बताया हुआ है आप इजिली देख सकते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी आप ईजीली देख सकते हैं तो अमेज़ोन की तरफ से बहुत ही अच्छी ओपनिंग निकली हुई है और जॉब लोकेशन आपकी चेन्नई इंडिया है तो आप इजीली अप्लाई करिए और अमेजोन बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपको अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बहुत जल्दी अप्लाई करें बिकॉज लिमिटेड टाइम के लिए लिंक रहती है एक्टिव तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बी टेक और आई टी इलेक्ट्रिकल एंड एलक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और हमारी आज की जो सेकेंड जॉब ओपनिंग है वो है फैक्ट सेट कैरियर्स की तरफ से तो फैक्ट सेट भी बहुत ही अच्छी कंपनी है का आप इजीली इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे और इसमें जॉब रोल है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब लोकेशन है आपकी हैदराबाद एंड फुल टाइम की जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब ओपनिंग है ये फैक्ट सेट की तरफ से इसमें भी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें तो बहुत ही ईजिली हमें विजिबल है कि develop new application and enhancement to existing portfolio reporting bachelor's application and required skills hamari rahengi professional javascript experience and well versed with object oriented principle in javascript basically hame javascript ki knowledge isme bahut zaruri hai kyunki इसमें, इसमें जैसा लिखा हुआ है कि professional JavaScript and experience की अगर बात करें तो जीरो से दो साल का experience इसमें mention है और डिज़ाइन एक्सपीरियंस विद मल्टी मल्टी टायर वेब आर्किटेक्चर एंड रेस्टफुल सर्विस आर्किटेक्चर इसमें आना हमें नॉलेज होना जरूरी है एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल हमें मस्ट रहेंगी क्योंकि अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इसमें मेजर वन है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर चलना है साथ ही साथ पीटेक और एम टेक इन कंप्यूटर साइंस आर और इक्वेलेंट ब्रांचेज आर इसेंशियल फॉर दिस और एबिलिटी टू अप्लाई कोड रिव्यू फीडबैक इम्प्रूव फ्यूचर डिजाइन फ्यूचर डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्वालिटी ये सब आपकी रिक्वायर्ड स्किल सेट रहेंगे इसके लिए तो आप जल्दी से अप्लाई कीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दी गई है अब जो अगली जॉब ओपनिंग है वो है हमारे पास स्प्रिंग रोल की तरफ से तो स्प्रिंग रोल बहुत ही अच्छी कंपनी है, है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अगर हम जॉब रोल की बात करें तो हमारे लिए जॉब रोल रहेगा इंटर्न का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न है फुल टाइम की जॉब है और फ्रेशर्स के लिए ये जॉब है और जॉब लोकेशन हमारी है बैंगलोर की अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन भी देखें तो हमें पता चलेगा कि वी आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स विद एजुकेशनल बैकग्राउंड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के फ्रेशर्स और इंटर्न्स इसके लिए एलिजिबल हैं तो अगर आप परस्यू करते हैं इस एलिजिबिलिटी uh, को तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी सारी अच्छी ओपनिंग्स हैं स्प्रिंग रोल की तरफ से और रिक्रूटमेंट recruit, uh, में अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड रहेगी मैथमेटिक्स एंड रोबोटिक्स की नॉलेज इसमें मस्ट रहेगी गुड टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक्स सो मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक्स भी इसमें रिक्वायर्ड रहेंगी एंड साथ ही साथ एक्सीलेंट रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल इसमें रहेंगी जो कि हमारे लिए मस्ट है और मिनिमम नाइन मंथ और अप टू वन ईयर ड्यूरेशन ऑफ ये रहेगा आपकी इंटर्नशिप का प्रोग्राम सो so, आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे और अगली जो जॉब ओपनिंग निकली हुई है वो विजुअल बाई की तरफ से है सो विजुअल बाई भी बहुत ही अच्छी आ, एक कंपनी है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिजनेस एसोशिएट की या बिजनेस इंटेलिजेंस को लेके आपके अंदर कुछ नॉलेज नॉलेज है तो आप इज़िली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि बिज़नेस एनालिस्ट इंटर्न की जॉब पोस्टिंग है यहाँ पे और हु कैन अप्लाई सो 2070 थाउजेंड सेवेंटी पास आउट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद अ विद्रॉन्ग पैशन ऑफ बिल्डिंग अ करियर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंट एंड एनालिटिक्स सो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये नॉलेज और ये स्किल सेट परस्यू करते हैं तो और इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देंगे आप इजिली वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम हाँ जाके देखते हैं अप्लाई करते हैं तो तो अप्लाई करने के बाद हम जाएंगे ये हमें एप्लीकेशन फॉर्म पर रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है अपना रिज्यूमे सबमिट करना है जिससे कि हमारा फॉर्म सबमिट होता है सो so, अगली जॉब ओपनिंग है वो है आ, भारत आ, एक गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग है तो so, इसके लिए हमें आपको ज़्यादा गेट की क्वालिफाइड करने की नीड नहीं रहेगी सिंपल टेस्ट है असिस्मेंट है जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जॉब ओपनिंग निकली हुई है ये प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ट्रेनिज के लिए है आप देख सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है सेवन ऑफ सेप्टेम्बर से और लास्ट डेट है ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर सो आप इजीली जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए बहुत ही अच्छी ओपनिंग्स है गाइस और सारी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन में कर देंगे आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो